विजयपथ पार्ट टू। विजयपथ में आज बात होगी नई दिल्ली की। इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी सांसद हैं। पेशे से मीनाक्षी लेखी वकील हैं। आज हम जानेंगे उनके काम को लेकर नई दिल्ली की जनता क्या सोचती है। मीनाक्षी ने अपने इलाके का किया है कितना विकास, क्या कहती है नई दिल्ली की जनता। देखिए विजयपथ विजय विद्रोही के साथ। विजयपथ में कल विजय विद्रोही ने पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा पर पड़ताल दिखाई। मोदी पर पूर्वी दिल्ली का मूड जाना। ठीक है, हम जीएसटी दे रहे हैं पर हम जीएसटी को ठीक से समझ नहीं पा रहे। जो भी मतलब कि मेन दुकान जो सड़कों वगैरह का है वो हुआ है, कुछ वो तुम्हारा जो ये कूड़ा घर वगैरह वो बने हैं नहीं बने हैं। केजरीवाल बोलता है कि मोदी काम नहीं कर रहा है, मेरे को मोदी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड सेम वे मोदी से कि मैं सामान देता हूँ, प्रोविजंस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे काम होता नहीं है। नहीं, थोड़ा सा तो महंगाई बढ़ी है, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, ये जो बेसिक नेसेसिटीज है उसकी बढ़ी है। आज देखिए नई दिल्ली लोकसभा सीट का मूड। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजयपथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ विजय विद्रोही। मैं इस समय राजपथ पर हूँ। ये दिल्ली का सबसे पॉश और सबसे प्रभावशाली इलाका है, नई दिल्ली लोकसभा सीट है। यहाँ से सांसद हैं बीजेपी की मीनाक्षी लेखी। आइए उनके कामकाज की पड़ताल का सिलसिला यहीं से हम शुरू करते हैं। ये राजपथ है, एक ओर इंडिया गेट है तो दूसरी ओर देश का राष्ट्रपति भवन। यहीं पास में संसद भवन भी है, यानी देश की सत्ता का केंद्र है ये इलाका। राजपथ के बोर्ड को निहारते हुए विजय विद्रोही भी राजपथ पर विजय पथ के लिए लोगों का मूड जानने निकले हैं। इस इलाके में देसी विदेशी सैकड़ों सैलानी रोज घूमने आते हैं। कोई छाता लगाए धूप से बचने की कोशिश करता नजर आता है, तो कोई कैमरे से राजपथ के आसपास की खूबसूरती को कैद करता हुआ दिखता है। यहीं पर विजय को जापान के सैलानियों को घुमाते हुए सुमित गोयल नाम के गाइड मिल गए। विजय ने उनसे इस इलाके के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली। क्या बताते हैं आप उनको टूरिस्टों को कि ये हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल सड़क है? बिल्कुल, ये राजपथ है जो कि हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल सड़क है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस यहाँ पे इंडिया गेट है, उसके जस्ट बिगल बगल में पार्लियामेंट हाउस है। तो हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान का सारा कंट्रोल सब यहीं से चलता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चलता है। जापानी सैलानियों का जत्था जब यहाँ से आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र से आए कुछ लोग टहलते दिख गए। विजय ने माइक उनकी ओर बढ़ा दिया। आपके दिमाग में क्या आता है संसद जब देखते हैं? संसद देखते बाहर से देखने को तो अच्छी लगती है, मगर अंदर जो शोर शराबा, अपन जिस लोगों को चुन के भेजते हैं वो बराबर काम नहीं करते, आपस में झगड़ते, वैसे अपने वास्ते सब कुछ कर लेते हैं मगर जनता के लिए कुछ नहीं करते। जब जनता की सोच आती है, जनता को कुछ करने का आता है तो उसको मुकराते हैं। दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली की इस सीट की सांसद मीनाक्षी लेखी पेशे से वकील हैं, पार्टी की प्रखर वक्ता मानी जाती हैं, संसद में भी अच्छा बोलती हैं। क्यों बनाते हैं हम ऐसे रिश्ते, क्यों बनाते हैं हम ऐसे रिश्ते जो पल दो पल में टूट जाते हैं, क्यों बनाते हैं हम ऐसे रिश्ते जो पल दो पल में टूट जाते हैं। वादा तो करते हैं ता उम्र साथ निभाने का, वादा तो करते हैं ता उम्र साथ निभाने का, लेकिन हल्की सी आंधी में बिखर जाते हैं। वैसे देखा जाए तो देश की राजनीति में वकील छाए हुए हैं, और ये आज से नहीं, आजादी के पहले से है। गांधी नेहरू से लेकर आज के जमाने में जेटली, रविशंकर, चिदंबरम और सिब्बल जैसे वकील नेताओं की पूरी फौज है। हाल ही में कोर्ट ने फैसला दिया है कि राजनेता वकीलों को प्रैक्टिस से रोक नहीं सकते। विजय को लगा क्यों ना किसी वकील से पूछा जाए कि एक वकील अच्छा नेता क्यों साबित होता है। विजय दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे जहां उनकी मुलाकात अशोक अग्रवाल से हुई। यहाँ से जो सांसद है नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, वो भी आपकी बिरादरी की हैं, तो उनके कामकाज को पिछले 4 साल के आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो मेरे को उनकी ज़्यादा डिटेल का तो पता नहीं कि वो क्या करती हैं, लेकिन बट वकालत वाला व्यक्ति अगर नेता भी बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है।
क्योंकि वो उसको एक तो लॉस का पता है, पब्लिक डीलिंग हम लोग ऑलरेडी करते हैं, वही डीलिंग वहाँ पे भी हो रही है, और वो अगर क्योंकि स्किल्ड है ये लॉ, एक स्किल्ड जॉब है, तो उस स्किल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और तर्क देने में तो लॉयर होते ही हैं, तो तर्क लोगों को आप तर्क दे के समझा भी सकते हैं, तो मोबिलाइजेशन के एंगल से, समझाने के एंगल से, और ज़रूरत पड़े तो उनके लिए कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। तो वो काफ़ी मुझे लगता है कि एक वकील का एक नेता बन जाना, मुझे लगता है कि अगर सही ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूज़फुल हो सकता है। और संसद का काम तो रियली कानून बनाना है, तो अगर उसको कानून की थोड़ी एक्सपर्टाइज है तो वो फिर जो है बहुत उस हिसाब से तो बहुत यूजफुल हो सकता है। हम मुलाकात को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली सीट से अटल बिहारी वाजपेयी भी दो बार जीते थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी दो बार इस सीट से सांसद रहे। 1992 में कांग्रेस के टिकट पर राजेश खन्ना यहां से जीते थे और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। इन लोगों के कद के हिसाब से आप इस सीट की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। विजय ने सोचा इन महान हस्तियों की लोकसभा सीट पर 2 जून की रोटी का जुगाड़ आम लोग कैसे करते हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए विजय पद की टीम रोड पर निकल पड़ी। नई दिल्ली लोकसभा में ज्यादातर पौश इलाके हैं। घूमते हुए विजय आंध्र भवन के पास पहुंचे। यहां सड़क किनारे ढाबे के आगे कतार में ऑटो चालक खड़े थे। विजय ने भी गाड़ी रोक दी और चल दिए इन ऑटो वालों से बात करने। यहां कोई ऑटो में बैठकर खा रहा था तो कोई खड़े होकर, कोई पेड़ के नीचे बैठा था तो कोई जमीन पर बिछे मैट पर खाता दिखा। विजय ने बारी बारी से सबसे यहां बात की। पिछले 5 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए चाय बेच बेच के। जो केजरीवाल जी हैं वो रामलीला मैदान में धरना दे दे के मुख्यमंत्री बन गए। आपकी जिंदगी कितनी बदली इसमें? इसमें हम लोगों की जिंदगी कुछ नहीं बदली। क्या बदली, हम लोग तो वही है। ऑटो वाले के लिए क्या बदली, और ऑटो वाले के लिए तो कुछ भी नहीं बदली है, जैसे कि वैसे ही ऑटो वाले सारे। यहाँ मोदी सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? देखिए, अपने अपने जगह पे तो दोनों काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी अच्छा कर रहा है या केजरीवाल अच्छा कर रहा है, दोनों अपने अपने जगह पे अपने अपने ठीक हैं। तो मोदी अपनी जगह कैसे ठीक हैं? क्या उनकी वो पीएम है, वो अपना बहुत कुछ अपने जिस हिसाब से करना चाहिए, पहले जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार करती थी उसके हिसाब से तो बहुत कुछ वो कर रहे हैं आगे। केजरीवाल जी तो कहते हैं गरीबों के लिए मुख्यमंत्री। गरीबों के लिए है तो गरीबों के लिए वो रेडी पटरी वाले के लिए, हम लोगों के लिए क्या केजरीवाल किया है? केजरीवाल ऑटो वाले के लिए क्या अभी तक कर रहे हैं वो? तो उन्होंने तो कहा कि कोई पुलिस वाला रिश्वत मांगे फोन कर देना, एक मोबाइल नंबर दिया मुझे। तो फोन नंबर देना, रिश्वत मांगना, रिश्वत तो खैर ठीक है, रिश्वत तो मांगते नहीं है। रिश्वत अगर हम तंग करते हैं, अगर हम अगर रिश्वत देंगे तो अभी भी वो लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि रिश्वतखोरी बंद हुआ है। सो अगर हम देना चाहेंगे तो अभी भी लेंगे, नहीं देते हैं तो नहीं लेते हैं। चलान ये है कि चलान वगैरह जो पहले जिस हिसाब से होती तो उस हिसाब से बहुत कम है अभी। चीज़ें थोड़ी बदली है? हाँ, थोड़ी सी बदली है, बाकी वैसी की वैसी हैं सारी चीज़ें। पिछले 5 साल में आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? मेरे ज़िंदगी में कोई बगैर बदलाव नहीं आया, और नुकसान ही हो गया, काम कम हो गया है। ओला उबर का जैसे काम कम हो गया थोड़ा। हाँ, ई रिक्शा से भी? नहीं, ई रिक्शा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ओला उबर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। पिछले 5 साल में दिल्ली में आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया है या मोदी सरकार ने? देखिए, केजरीवाल ने भी कुछ अच्छा किया है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब मामले में तो केजरीवाल अच्छा ही किया है। आज के डेट में हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, बाकी मोदी जी भी देश के लिए अच्छे कर रहे हैं। दिल्ली के लिए तो मैं केजरीवाल को ही वोट दूंगा, बाकी इंडिया के लिए, देश के लिए मोदी जी परफेक्ट हैं। गठबंधन हो गया तो मोदी जी को चुनौती मिल सकती है? हाँ, चुनौती मिल सकती है अगर गठबंधन हो जाता है। मोदी जी बेस्ट क्यों नहीं है? मोदी जी आज तक तो कुछ काम ही नजर आया नहीं गरीबों के लिए, हम जैसों के लिए तो कोई। अब देखो, 2014 में हमारी गाड़ी की थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस 2900 रुपये की होती थी, आज वो 7000 रुपये से पार है थर्ड पार्टी की। जो फीस हमारी ऑटो ड्राइवर की, हम गाड़ी पास करने जाते हैं, 200 रुपए की होती थी, आज 600 रुपए की है। साहब, आपकी जिंदगी में कोई
पर बदलाव आया पिछले 5-6 सालों में? 5-6 सालों में कोई बदलाव नहीं आया जी। बेहतर हुई जिंदगी नहीं हुई? बेहतर वही है, पुरानी ही पुरानी जिंदगी है। कौन बेहतर करेगा, केजरीवाल बेहतर कर पाएंगे मोदी जी के बेहतर? फिलहाल जो है केजरीवाल जिसे हम लोगों को कुछ फायदा है, और फायदा यह है कि बिजली हमें टाइम से मिल रही है, पानी सही टाइम से मिल रहा, हॉस्पिटल में जो दवा के लिए जाते थे तो उसमें हमें फायदा दिख रहा। और अभी मोदी और केजरीवाल में से किसको ज़्यादा नंबर दोगे विकास के लिए? केजरीवाल को। 10 में से कितने? 10। मोदी को? मोदी अभी सही है, आने वाला चुनाव में पता लगेगा जी। तो कितने नंबर दोगे? अभी कुछ नहीं देंगे जी। खाना खाने के बाद एक कप चाय तो बनती ही थी। गुप्ता जी फुटपाथ पर चाय बेच रहे थे और विजय को बार बार अपने पास बुला रहे थे। विजय को लगा कि एक कप चाय के साथ उनके साथ बात करना जरूरी है। पिछले 4-5 साल में आपकी जिंदगी कुछ बदली है, बेहतर हुई है? जिंदगी हमारी शुरू से ही बदली हुई है जी। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं और कोई बात नहीं है। बस जो गवर्नमेंट का रेट होता है, वो चलान होता है, वो भर देते हैं। कमेटी उठा के ले आती है सामान, वो ले आते हैं, छुड़ा करके पैसे देते हैं सबको, काम कर रहे हैं अपना मजे से। कांग्रेस की सरकार में भी यही सब था, बीजेपी की सरकार हो, केजरीवाल सरकार आए, फुटपाथ वाला कोई भी बिना लिए दिए काम नहीं चलाएगा। सरकार किसी की भी हो, जो फुटपाथ पे काम कर रहा हो सबको लेता देता है। तो मोदी सरकार ने बेहतर काम किया या केजरीवाल सरकार? सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, फुटपाथ वाले की कोई वैल्यू नहीं है। फुटपाथ वाला 1 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए बंद करा देगा, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। क्यों, रोटी खाने जाएगा कहाँ? गुरुद्वारे में थोड़ी ना जाएगा रोटी खाने के लिए। हुआ चाय पीने के बाद विजय विद्रोही फिर लौटे दिल्ली की राजनीति पर और सीधे पहुंचे प्रेस क्लब, जहां उनकी मुलाकात हुई जनसत्ता के ब्यूरो चीफ मनोज मिश्रा से, जो दिल्ली की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। मनोज ने बताया कि मीनाक्षी लेखी के पास मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। तो आपकी नज़र में मीनाक्षी लेखी का सांसद के तौर पर कामकाज कैसा? असल में मीनाक्षी लेखी राजनीति में उस सांसद बनने से पहले कम ही समय से सक्रिय थी, इसलिए उनको उस तरह का अनुभव तो नहीं है कि धरातल पर काम करने का। लेकिन चूंकि राजनीतिक परिवार से हैं, उनके ससुर बड़े वकील रहे तो उसका लाभ उन्हें मिला है। नई दिल्ली सीट इस तरह की है कि यहाँ अधिकांश इलाके संपन्न और मध्यम वर्ग के लोगों का है। मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा और वो ढंग से चलती, अगर लोगों के लिए सुलभ होती तो और बेहतर होता, और वो डंके की चोट पर फिर दोबारा चुनाव जीत जाती। क्योंकि पढ़ी लिखी वकील, वकालत पढ़ी हुई हैं, हिंदी अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी की हैं, तो इस नाते उनकी छवि काफ़ी अच्छी होनी है। लेकिन काम भी उस लिहाज से अगर हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि उनको और बेहतर उनको नतीजे आ जाते। प्रेस क्लब से नोएडा दफ्तर लौटते हुए विजय की नज़र पड़ी पुराने किले पर, जहां जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। दिल्ली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर मुगलों और फिर अंग्रेजों तक का लंबे समय तक राज रहा, जिन्होंने अपने हिसाब से दिल्ली की सियासत के साथ छेड़छाड़ की। सियासत आज भी यहां अपनी सुविधा के अनुसार करवटें बदल रही है। दिल्ली शहर की खासियत यह है कि यह कई बार उजड़ा लेकिन हर बार फिर बस भी गया। इस बात से विपक्षी पार्टियां जरूर प्रेरणा ले सकती हैं। हाँ, दिल्ली को कई बार लूटा भी गया। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तोहमतें तो आएंगी नादिर शाह पर, आप तो दिल्ली रोज ही लूटा करें। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही, पुराना किला, दिल्ली, एबीपी न्यूज। विजय पथ पार्ट 2। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।